पास सीजन 17 की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड में नील भट्ट को लगा ये बड़ा झटका। क्या नील भट्ट हो जाएंगे शो से आउट? तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा का ही गेम नहीं, बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट का गेम काफ़ी ज़्यादा बेकार और बहुत ज़्यादा बोरिंग होते जा रहा है। लोग बिग बॉस सीजन 17 को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई अच्छी फ्रेंडशिप बनी, ना ही कोई अच्छी दुश्मनी बनी और लवेबल कपल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐश्वर्या और नील की जिस तरीके से गेम डिस्ट्रॉय हुई है उसके बाद नील भट्ट को एक बार फिर बड़ा और तगड़ा झटका लगा है और नील भट्ट के मन में भी अब ये सवाल आ चुका है कि अगर शायद आयशा सिंह के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन रहता तो यहाँ पर एक बड़ा फैन बेस का सपोर्ट भी मिल सकता था। आपको बता दें यहाँ पर एक लिस्ट है जो आपके सामने है। वोटिंग ट्रेंड में खानजादी को 31%, विक्की जैन को 28%, नील भट्ट को 13% और अभिषेक कुमार को 28%। सबसे कम वोट अब तक नील भट्ट को मिल रहा है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नील भट्ट इस शो से आउट भी हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, नील भट्ट इस शो में काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं, नील ने काफ़ी अच्छा एज एन पर्सन गेम को खेला है, लेकिन जब बात ऐश्वर्या शर्मा की आती है तो नील भट्ट हमेशा ही ऐश्वर्या शर्मा के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है और ये बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या शर्मा जो है आयशा सिंह से जलती हैं। जहाँ पर आयशा सिंह ने तो नील भट्ट के लिए हमेशा से एक अच्छी बात और तारीफ ही कही है कि नील सर अच्छा गेम खेल रहे हैं, नील भट्ट को अपने गेम पर फोकस रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या शर्मा के चलते नील भट्ट को एक बार फिर बड़ा और तगड़ा झटका लग चुका है। बिग बॉस में अगर इसी तरह से वोटिंग ट्रेंड चलता रहा तो नील भट्ट इस शो से इसी वीकेंड के वार पर एग्जिट भी ले सकते हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या नील भट्ट को इस शो से आउट कर देना चाहिए, आपको लगता है कि जी नहीं नील को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, नील को एक मौका मिलना चाहिए? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।